अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का व्लॉग हम एक हैं के उन्वान से होगा। पिछले दिनों जिस तरह से हमारे साथ, हमारे हमवतनों के साथ ज़्यादती और जुल्म किया गया, वो इंतहाई नाकाबले बर्दाश्त रहा है। जिस तरह मसीही बरादरी के मुकद्दस इबादत गाहों और घरों को नजरे आतिश किया गया, क्या आप या हम यही कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। हम मजहब, रंग, नस्ल, कौम, फिरकों की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं? क्या आपका दीन या मेरा दीन इजाज़त देता है कि किसी घर का गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजा जलाएं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी के घर को आग लगाएं तो खुद महफूज रह सकेंगे? अपनी इबादत गाहों के तहफ्फुज़ और इज्जत की खातिर दूसरों के मुकद्दसात की तजलील करना कौन सा दीन सिखाता है? क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि हम पहले ही मुख्तलिफ बुनियादों पर तकसीम शुदा लोग हैं, पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं, लेकिन आज ये मजहबी तासुब एक बहुत बड़ा अजाब बन चुका है। आलमी तौर पर हम एक दहशतगर्द, मुतासिब, जाहिल और मजहबी इंतहा पसंद कौम के तौर पर अपना इमेज बना चुके हैं। क्याम अमन और हसूल अमन की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियां जिद्दोजहद ज़ाया हो चुकी हैं। आज इस बात की शिद्दत से ज़रूरत है कि हम इस तकसीम से निकलकर सबको बराबर और ख़ास तौर पर इंसान को इंसान समझकर, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, साथ मिलकर चलें। कुफर का फतवा देकर, गुस्ताखी का फतवा देकर किसी को यूं बर्बाद कर देना कहाँ की इंसानियत है? और कौन सी किताब या कानून इसकी इजाज़त देता है? कुरान में कहीं ऐसी तालीम नहीं दी गई। सो मौलवी के सिखाए दीन से हटकर नबी के दीन की पैरवी करें। हुकूकुल बात की माफी नहीं, और ये हकूक सिर्फ मुसलमानों के नहीं, तमाम आलम इंसान का घेराव करते हैं। जालिब साहब हमेशा अमन की बात करते रहे, क्योंकि ये अमन से ही मुमकिन है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करें। जालिब साहब हमेशा हमेशा उन तबकात की तर्जमानी करते रहे कि जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनना चाहता था। इस बात से कता नज़र कि वो कौन से दीन मसलिक या कौम से ताल्लुक रखता है, आज जालिब साहब का पैगाम एक गीत की सूरत पेशे खिदमत है। गलत है सब ये फासले, ये दूर क्या करीब क्या, गले में ऊंच नीच की ये मेरी जान सलीब क्या, हम एक हैं, हम रंग रंग
रंग के ये फूल कमल हैं, हर उमंग के कमल हैं। जवान इनसे धड़कने ये सुर हैं जल तरंग के, मगर ये बात प्यार की समझ सके रकीब क्या हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ये रिश्ते हैं वो खून के, ये रिश्ते हैं वो खून के, ये रिश्ते कभी नहीं जो टूटते, कभी नहीं। सितमगरों से ये कहो दिखाए इनको तोड़ के, इन्हीं से हैं बंधे हुए अमीर क्या गरीब क्या हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आप अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।